अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के हवाले से एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, द साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट ए। यानी ए, यहाँ पर देखिए आप, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी ए जो है ये एक पैरेललोग्राम है एंड ए बी साइड, ये साइड इसको प्रोड्यूस किया जाता है टू एनी पॉइंट पी। इस ए बी को प्रोड्यूस किया जाता है टू एनी पॉइंट पी। ए लाइन थ्रू ए, और ए में से एक लाइन पैरेलल डाली जाती है सी पी को, इसको यहाँ से, विच कट्स या विच मीट्स द सी बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू, यहाँ पर वही लिखा है प्रोड्यूस्ड एट क्यू एंड देन ए और देन ए पैरेललोग्राम। तब एक पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर, पी बी क्यू आर, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया जाता है। तो ये हमें दिया हुआ है सी फिगर, यहाँ पर ये कह रहे हैं फिगर पे देखिए, ये यहाँ पर फिगर दी हुई है। शो दैट, अब हमें दिखाना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये पैरेललोग्राम जो है, ये देखिए यहाँ पर फिर मैं दिखाऊँ, ये पैरेललोग्राम जो जिसको मैंने ब्लू इंक से हाईलाइट किया है, ये पैरेललोग्राम, इसका एरिया इस पैरेललोग्राम के बराबर है, पी बी क्यू आर इस पैरेललोग्राम के बराबर है। ये हमें यहाँ पर दिखाना है। देखिए सॉल्यूशन सिंपल, यहाँ पर हम लिखेंगे जॉइन ए सी एंड पी क्यू, इनको हम जॉइन करेंगे। ये ए क्यू, ए क्यू सी ये ट्रायंगल, और ए पी क्यू ये ट्रायंगल, ये दोनों एक ही बेस ए के ऊपर है। दे आर स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस ए क्यू एंड आर लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए क्यू एंड सी बी, ए क्यू एंड सी बी, दियर फॉर दियर एरियाज विल बी सेम। ये हमें पता है कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, दियर फॉर, यहाँ पर हम लिखेंगे दियर फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू, ए सी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू। ओके, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, बिकॉज ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल और इक्वल इन एरिया, और इक्वल इन एरिया। सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पर हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी ऑन बोथ साइड्स, ऑन ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू बी, ट्रायंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू, इस तरफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी। यानी ये जो ए बी क्यू ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया और इस ट्रायंगल में से मैंने सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर ये रहेगा ये ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ पर रहेगा क्यू बी पी।
और यहाँ पर रहेगा, चलिए मैं इसी इसी में लिखेंगे, यही यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पर रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू बी पी ओके, इसको फर्स्ट में नाम रखूँगा। बट ए सी इज द डायगोनल, इज द डायगोनल, और आपको पता है कि डायगोनल एक पैरेललोग्राम है, इसको दो ट्रायंगल्स में तकसीम करता है, विचारी कुलन एरिया, या एक ट्रायंगल जो पैरेललोग्राम की हाफ होती है एरिया के लिहाज से। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, एबीसीडी। थर्ड मैं लिखूंगा सिमिलरली सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू बी पी इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी क्यू आर पी या पी बी क्यू आर, पी बी क्यू आर, ओके। थर्ड इसका नाम रखूंगा, यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी या क्यू बी पी, क्यू बी पी, ये क्यू बी पी ए बी सी, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर हम ए फर्स्ट इक्वेशन को इन दो में इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड्स भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड बाय यूजिंग फर्स्ट वी हैव एंड बाय यूजिंग फर्स्ट एंड बाय यूजिंग फर्स्ट वी हैव, यानी ये इक्वेशन दो जो है या तीन है इनमें हम देखेंगे और इक्वेशन फर्स्ट को वो हम इस्तेमाल में ला के आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड सारी को, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी फर्स्ट में से क्यू बी पी बराबर है, लिहाजा ये दो साइड्स भी बराबर, ये जो है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एरिया एरिया ऑफ, बल्कि वन हाफ ऑफ एरिया ऑफ, वी हैव वन हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी बी क्यू आर, पी बी क्यू आर, वन हाफ ऑफ कैंसल। तो यहाँ पर निकलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर। तो यही हमें निकालना था, दिस वाज टू बी प्रूव्ड। तो थैंक यू वेरी मच।